दिल्ली के विकासपुरी इलाके में शनिवार शाम स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें स्पेशल सेल ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। बदमाशों का नाम, एक का नाम राहुल जिसकी 20 साल उम्र और जो दूसरा बदमाश है उसका नाम दीपक जिसकी उम्र भी 20 साल बताई जा रही है। इन बदमाशों पर दिल्ली के अलग अलग थानों पर स्नैचिंग, लूटपाट और आर्म्स के एक्ट के तहत कई मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल इनमें से जो एक बदमाश था राहुल, उस पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा समेत 10 से अधिक कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज दिल्ली। गाजियाबाद के सियानी गेट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश ने गोली लगने से घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक की सोने की चेन लूटकर भागने वाले बदमाश को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर दोनों बाइक सवार बदमाश भागने लगे। पुलिस का पीछा करने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जाए फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से सोने की चेन, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए। ये आज मेरठ तराई से राहुल त्यागी नामक व्यक्ति की एक चैन लूटी थी। इसके 100 नंबर की सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई और ये एएलटी चौराहे से फिर ये लोग मुड़ के इधर भागे और यहाँ पर जो ये हमारा राजनगर एक्सटेंशन है यहाँ पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश शानू नाम का बदमाश है जो घायल हुआ और इसके पास से जो आधी चैन है जो उसके हाथ में रह गई थी वो उसके पास से बरामद हुई है और आधी चैन बाली के पास से जो थाने पहुंचा है। एक बहुत अच्छा काम है और हॉट चेज में ये बदमाश पकड़ा गया है। जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी इसमें शामिल है मैं सबको बधाई देता हूँ और 15,000 रुपये का इनाम मैं इन्हें घोषित